सुनी नारे जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनी नारे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। देश वालिया हाय, देश वालिया हाय, देश वालिया हाय हाय। जब मैं संघर्ष की बात कर रहा था तो वो वायर जोड़ रहा। आज के इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से उपस्थित सभी बोरेली के देशभक्त नागरिक भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि बोरेली में लगातार पिछले पौने चार वर्ष से मेरे कार्यालय में लगातार वालिया पिता पुत्र के खिलाफ लगातार लोग आते, और इसके लिए आज जो कुछ मैं सुन रहा हूं, आज जो कुछ लोग अपने मराठी में, गुजराती में, हिंदी में बोल रहे हैं, ये मैं आज नहीं बल्कि 20 साल पहले, 20 भी नहीं 24 साल पहले, जो जो काका यहां पर उपस्थित है जो मुझे जानते हैं, 24 साल पहले मैंने इनके कॉलेज में 2 मंजिल भाड़े से लिए। आपको किसी को मालूम नहीं होगा, हेमेंद्र भाई को मालूम है, गोपाल भाई को भी मालूम है। और हमारा कॉलेज मलाड में शुरू होना था, लेकिन 1.5-2 साल हमारी बिल्डिंग बनने तक हमें कहीं पर तो भाड़ा दे के जगह चाहिए, ये 1999 की बात है। और तभी हमारे विधायक सम्माननीय हेमेंद्र भाई थे, ये नीरव स्कूल में जाता होगा शायद, अब पेंट में अभी चुप बैठा है, हाँ ना, अभी बैठा तो बैठा है ना, चुप भाषण करना चाहिए, तेरा इधर घर था ना, अभी है। और मैं तभी से ये दोनों को जानता हूं, और ये जानने का सिलसिला भगवान ने ऐसे किया कि 20 साल के बाद, यानी 1999 में मैं यहां पर 1.5-2 साल था, दिन भर यहां पर बैठता था, यहां से ट्रेन पकड़ के दादर के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में जाता था। तो ये दोनों जिनको मैं जानता हूं उतना शायद आप लोग नहीं जानते, लेकिन आप जो उनको जानते हो मैं नहीं जानता हूं, गड़बड़ उधर ही हुई। और इसके लिए जो भाई ने कहा कि कन्वेंस माफिया का उल्लेख किया, ये कभी कभी मुझे याद आती है वो बात, बहुत सारे पुलिस यहां पर खड़े हैं, किसी ने तो बोला कि पुलिस खड़े हैं तो अगले बार जाएंगे, ये पुलिस शायद नहीं, पुलिस है ये महिलाएं बेचारी नहीं है, उनको ये पता नहीं है कि पुलिस की महिलाओं की, यानी मुंबई शहर में रहने वाले, बिडड़ी चाल में रहने वाली पुलिस की पत्नियां, 3,500 पत्नियां मेरे साथ एक नहीं दो नहीं 9-9 साल आंदोलन करती थी। ये मेरा तो आंदोलन आपको पता नहीं है, आप कभी जाके वर्ली, लोअर परेल, डिलाइल रोड, नायगांव, भाईखाड़ा जाके पुलिस की पत्नियों को पूछो कि 2007 और 2008 से कांग्रेस राष्ट्रवादी के खिलाफ लड़ने वाला कौन था कि पुलिस को हक का घर मिले। बिडीडी चाल में आज 4 करोड़ रुपए का घर उनको 15 लाख रुपए में दिया है, और इसके लिए पुलिस की बातें न करे, अपने को जब अंदर जाना होगा, ये लोकशाही है, और लोकशाही में आज हम तो सरकार के रास्ते पे बैठे, ये रास्ता छोड़ के हम जब इसके अंदर चले जाएंगे तो वो सोच समझ के करेंगे। और इसके लिए जो बातें आती है कि कन्वेंस लगातार बोरीवली के शहर में, बोरीवली के जैसे छोटे से इलाके में, छोटे से शहर में एक व्यक्ति लगातार 15-20 सालों से कन्वेंस लेता है, और कन्वेंस लेने के बाद गोर गरीब हो, सामान्य आदमी हो, उसको घर देने की बात आती है तो कोर्ट कचहरी के दायरे में उसको लपेट लेता है। और यह हकीकत ना साई निवास की है, ना माधव निवास की है, ना पुष्पा विनोद नंबर 3 की है, मेरे पास तो आते आते अभी लोगों ने नाम लिखवाए। एक तो साई निवास का विषय ऐसा है जिसका उल्लेख हुआ, हमारे सम्माननीय सांसद का उल्लेख हुआ, जब इस विषय को लेकर मैंने सम्माननीय सांसद जी को पूछा तो उन्होंने कहा कि मैंने बोलने के बाद भी ये नहीं सुधर रहा है करके अभी आखिरी जालिम उपाय सुनील रहने हैं। और मैंने क्या क्या आंदोलन बोरेली में किए हैं वो आपको शायद पता नहीं है।
यानी जहां पर कोई नहीं जाता था, जहां पर किसी को जाने की इजाजत नहीं थी, सरकार की जमीन पे अतिक्रमण करके 12-12 एकड़ जमीन कब्जे में लेके बैठने वाले 25-25 साल के माफिया गिरोह के विरोध में मैं खड़ा हुआ, और आज वहां पर पूरा खंडर है और पूरी जमीन सरकार के दावे में। उसका नाम क्या है? विचारेगा। उसके पश्चात महात्मा फुले नगर, गोर गरीब जनता वहां पर फुटपाथ पे रह रही थी, एक नहीं दो नहीं 25-25 वर्षों से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के साथ आगे बढ़ते हुए करीबन 140 झोपड़पट्टी वालों को घर दिया। 125 किलोमीटर का झोपड़पट्टी का वो राह आज मुक्त हुआ है, आपने देखा होगा MHB की तरफ। वैसे बोरेली में जो काम हो रहे हैं उसमें ये कन्वेंस का जो काम है वो सबसे बड़ा अपने को करना है। और मैंने लगातार हमारे सांसद जी को भी कहा था कि अगर ये व्यक्ति आपका नहीं सुनता है, साई निवास में बैठे हुए गोर गरीब जनता अगर मर जाएगी तो क्या होगा, उसका अगर असर उसको नहीं है, उसकी अगर चिंता उसको नहीं है, तो हम यहां से ये जो मर्यादा है, आज तो हमने कल सबको संदेश दिए थे और लोग आए, मुझे लगता है आने वाले समय में एक एक करके अगर ये मसलों का हल इन्होंने नहीं निकाला तो पुलिस के सामने मैं बोल देता हूं कि आज ये सोनीवाड़ी में इतनी बैठे हैं ना, अगले बार आपको सोनीवाड़ी के वो कॉर्नर तक मैं लोग लाके दिखाऊंगा, ये मेरा वादा है। और तभी हम इसके अंदर जाने वाले हैं। आप अभी सोच लो, आज नहीं जाइए, आज हम सिर्फ चेतावनी देने आए हैं कि बोरेली में बसने वाले गोर गरीब हो सामान्य आदमी हो, उसकी लूट करने का जो काम है वो आज से रोकने का काम अगर विनू भाई वालिया और जयेश वालिया ने नहीं किया तो अगले बार बोरेली की जनता, चाहे वो राष्ट्रीय वहां से आने वाली हो, पूरे देश में से आने वाली हो, लेकिन बोरेली में बसने वाली जनता अपने ऊपर अन्याय होने के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होगी। इसका ये छोटा सा ट्रेलर दिखाने हम आए, और इसके लिए माधव निवास हो या फिर पुष्प विनोद तीन हो, मुझे कभी कभी आश्चर्य होता है, जैसे ये महिला ने जिसका जिक्र किया कि हमें उसी नहीं मिली, लेकिन मुझे ये याद आता है कि पुष्प विनोद के कितने लोग आते हैं अपने पास, कितने आते हैं? अरे बहुत आते हैं, कितने आते हैं कि ताकत से लड़ने को उस दिन में ना। हाँ, मैं उस दिन जलाराम साइकिल वाले के पास गया था, उधर चार लोग मिले, एक आका भी थे। लड़ने की तैयारी अगर रखोगे तो हम साथ देंगे। कोई व्यक्ति कुछ भी कहे कि सब राजनीतिक लोगों को अगर मैं खीसे में रखता हूं तो ये बात अपने देश में सही नहीं है, और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाला ये भारत है। गोर गरीब जनता को न्याय देने के लिए कोई तकलीफ का विषय नहीं है। और अगर हम ये बातें कहें कि हम घर में बैठ के लड़ सकते हो तो ये होगा नहीं। और इसके लिए पुष्प विनोद हो, माधव निवास हो या फिर साई निवास हो, नाम तो इतने हैं, सागरदीप दर्शन, स्पिनू अपार्टमेंट अपोजिट मंडपेश्वर, प्रताप अपार्टमेंट विवेकानंद नगर, दर्शन अपार्टमेंट हरिदास नगर, मेघ ज्योत, ये तो कई नाम है, ऐसे सैकड़ों नाम बोरेली में है जहां पर कन्वेंस इन्होंने करके रखा है। मुझे एक समझ में नहीं आता, अगर अपने पास पैसे नहीं है, अपने पास दिशा नहीं है, अपने पास काम करने की क्षमता नहीं है, तो हम हमारे बोरेली में बसने वाले गोर गरीब जनता को, सामान्य आदमी को धोखा देने का काम क्यों करते हो? मुझे याद है हरिदास नगर में ये दवे साहब ने मुझे बुलाया था, 5 घंटे मेरे निकाले, कितने? वो एक लाड़ था ना, लाड़, किधर है लाड़? कुठे लाड़? तो लाड़ तो तिकडे वरती सोड़ दूंगा। और इसके बाद इन्होंने, हमने इनको बुलाया था मेरे ऑफिस में, आने के बाद इनका सब तय हो गया। सब तय होने के बाद इन्होंने क्या जादूगिरी की मालूम ही नहीं, आज तक मेरे पास कोई आया नहीं वापस, ना हरिदास नगर का डेवलपमेंट हुआ, ना लाड़ का लाड़ हुआ, मराठीत कळतं ना लाड़, तुमचे लाड़ झाले तर मला सांगा, तुमचे लाड़ पण नाही झाले, आणि देव आपला दवेला पण काही लाडू मिळाला नाही, आणि आहे तिथेच बिल्डिंग राहिली, त्याच्यामुळे उसके लिए मुझे ये लगता है कि ये गिन चुने लोगों से ये आंदोलन अपना आज के लिए ठीक है। लेकिन मैं एक बात आपको कहता हूं, अगर लोग घर से निकल आए, सब जितने हैं, मैं अभी एक काका का पढ़ रहा था पत्र,
एनसीएलटी में गए, हर जगह पे कोर्ट कचहरी कर रहा, काम कुछ भी नहीं कर रहा। अगर पुष्पा विनोद खंडर हुआ है, ओसी नहीं मिल रही है, तो जिम्मेदार कौन है? तीन तीन गुना आपको पानी का बिल आता होगा, आप इधर ही रहते हो ना, उधर क्यों दूर दूर जा रहे हो, इधर आओ, कोई डरने का नहीं है, कोई फोटो वोटो नहीं निकल, आ जाओ, मैं हूं इधर, चिंता मत करो। और मैं आज आया तो कल नहीं आऊंगा ऐसा नहीं, कल भी आऊंगा, ध्यान में रखना। और अपने को आने वाले समय में इन्होंने जिस बिल्डिंग को लिया है उस बिल्डिंग को पूरा करें। अगर खुद नहीं कर सकते तो लोगों के माध्यम से, लोगों के साथ बैठे हुए। देखो औरंगजेब था मालूम है, जिसके खिलाफ छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरे जीवन भर लड़ाई की, लेकिन ये औरंगजेब पूरे देश भर में घूमता था कब्जा करने के लिए। उदाहरण है अभी ओ दुनिया आणि ह्यांचं नाव मोदी आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही लिहिलं तरी शाही पुसली जाईल। आणि मी काहीच बोललो नाही, हे बोललो हा नाही। अभी सुनो मेरी स्टोरी को, सुनो मेरी, याने वो जो हुई है अभी जाने दो, लेकिन आज नहीं बोलूंगा क्योंकि वो उधर लग गई तो गड़बड़ हो जाएगी, अगले बार बोलूंगा। तो इसके लिए मेरी ये बात है, थोड़ा दूसरा बदलता हूँ। तुम्ही सगळे पोलीस वाले ज्या, नवीन सोडून द्या, तुम्हाला माहिती होईल ना, एक विनायक वाखटकर होते माहिती आहे, ऐकलं नाव, आता रिटायर्ड आता आहेत का सध्या, रिटायर्ड तर कधीच झाले। या विनायक वाखटकर साहब ते, उनका अभ्यास था आर्थरोड जेल के बारे में। अभी आर्थरोड जेल के बारे में विनायक वाकटकर साहब लिखते थे पोलिसांची चातुर्य कथा, यानी पोलिस किस प्रकार से चतुरता से लोगों को पकड़ते हैं उसके बारे में विनायक वाकटकर जी लिखते थे। जब मैं स्कूल में था वो पढ़ता था, क्योंकि हमारी स्कूल बस वहां से जाती थी सात रास्ता, तो देखते देखते जैसे बोरीली में आते हो तो क्या देखने का, तो जडेश्वर का समोसा, फिर वो क्या तुम्हारा जिलेबी वाले की जिलेबी, वो सब तुमको मालूम है, और क्या है इसका खमण, हरी भाई खंडू भाई। मुझे याद है पांचवी छठवी में मैं था, तो उन्होंने एक कथा लिखी थी कि एक बहुत चतुर चोर था, तुम्ही शोधून काढलं तुम्हाला मिळेल, और उसका नाम था कन्हैया लाल। तो अचानक क्या हो गया, ये कन्हैया लाल आर्थरोड की जेल की दीवारें को लांघते हुए कूदी मार के भाग गया। अब हम हर रोज दिखते थे तुम्हारा जैसा कंडोई हरू भाई, वैसा हमारे लिए क्या देखने लायक आर्थरोड जेल का बाहर का भाग, हमारी बस जाती थी हम देखते थे आर्थरोड जेल है। जेल के ऊपर से खुदी मार के लांगते हुए भागने वाला कन्हैया लाल कौन है? तो बाद में समझा कि ये कन्हैया लाल लोअर बरेल के वहां पर एक धोबी घाट है, वो धोबी घाट में रहता था, और धोबी घाट में 108 पत्थर है आज भी। कितने हैं अभी, ये बिल्डिंग कितनी है? 108 बोरेली में है ना, 108 कन्वेंस ली हुई कितनी है? अरे 108 बोलेगा कन्हैया लाल वो, और ये आज का बोरेली का कन्हैया लाल, और ये कन्हैया लाल इसका मैं पूरी फाइल तैयार कर रहा हूं, मैं आपको वादा करता हूं। और मैंने जो जो आंदोलन लगाए, यानी कांग्रेस और राष्ट्रवादी के तभी के, इनके सरकार में लगातार 12 साल में अकेला लड़ता था, 12 साल तो लोग बोलते थे ये हमारे पुलिस के पत्नियों को घर कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि पुलिस नौकरी पे जाती थी और पुलिस की पत्नियां हमारे साथ आंदोलन करती थी, तो लोग बोलते थे कि ये कभी इनको जिंदगी में घर नहीं मिलेगा, 11-11, 12-12 साल हो गए। लेकिन हमारे देवेंद्र जी मुख्यमंत्री हुए 2014 में, 2015, 2016 में पहले बार देश का ऐतिहासिक निर्णय लिया ये पुलिस लोगों के लिए कि बिड़ी चाल में रहते हुए 15-15 हजार, 20-20 हजार रुपया ये भरते थे, इनके पिताजी पुलिस, लड़की पुलिस, और 15 साल आंदोलन चलने के बाद आज इनको घर मिला है। तो आंदोलन में आखिर तक चला, और जो मराठी लोग बैठे हैं यहां पर उनको मालूम है कि मिल मजदूरों के घर का विषय
एक नहीं 1,74,000 लोगों को घर देने का विषय है, उसका मैं अध्यक्ष हूं। तुम्हारा थोड़ा माहिती नसेल या मुंबई मध्ये गिरणी कामगारांचं ज्यांनी स्वतःच्या घामाने श्रमाने मेहनतीने विश्वासाने मुंबई उभी केली तो गिरणी कामगार होता, म्हणून तुम्ही सगळे आज बोरिवलीत सुरक्षित आहात। आणि त्याच्यामुळे बोरिवलीमध्ये असलेला गुजराती हा खऱ्या अर्थाने व्यापार करू शकला, कारण का मराठी तिथे घाम गाळत होता, कपडा बनवत होता आणि तुम्हाला विकायला देत होता। असं मालूम आहे की नाही? ये कपड़ा बनाने वाला कौन था? मराठी था। और व्यापार करने वाला गुजराती था। इसके लिए मराठी गुजराती का नाता है, इसके लिए मैं बोरिवली आया हूँ। और इसके लिए आंदोलन कैसे करना है, क्या करना है, इसको क्या कहना, ये सब मैं जानता हूं। और बाकी के राजनीति वाले जाके अंदर बैठ के बात करेंगे, मैं अंदर बैठ के कभी बात नहीं करूंगा, बात होगी तो तुम्हारे सामने बात होगी, अंदर थोड़ी भी बात नहीं होगी। पुलिस से मेरा निवेदन है, उसको कहो आज तो हम मिलने वाले भी नहीं है, हम उसको मौका देते हैं 8 दिन का 10 दिन का 12 दिन का 15 दिन का। सबसे पहले हमें निर्णय चाहिए तो साई निवास के बारे में निर्णय चाहिए। अगर एक भी हमारी महिला और एक भी हमारा वहां का नागरिक अगर इमारत गिर गई और ध्वस्त हुआ तो क्या मुकदमा लगता है आपको मालूम है? और मालूम होने के बावजूद वो वैसी ही परिस्थितियों में हमारे लोगों को रख रहा है। तो सबसे पहली हमारी मांग है कि साई निवास का रिपेयरिंग आने वाले 8 दिनों में अगर इसने नहीं शुरू किया आप लोग उसको नोटिस करो। आणि तुम्ही तर केस केलेली जाय ना, 8 दिवसांमध्ये साई निवासची नाही सुरू झाली तर पुढे काय करायचं आपण ठरवू। आणि कोणीतरी म्हणाल तू कोणाच्या तरी घरी जाऊन बसतो, ऑफिसला जाऊन बसतो, लोगों के प्रश्न पे लड़ने के लिए मैं तैयार हूं, आप चिंता मत करो। वो किसके पास जाके बैठता है उसको अपने को कोई लेना देना नहीं है, और वो जिनके पास जाके बैठता है उन्होंने ही मुझे कहा इसकी वाट लगाओ। आपको समझ में आया कि गुजराती में बोलू? समझ में आया? समझ में आया तुम्हारा कळलं? कोई थोड़ा नवीन आणि त्याच्यामुळे हम कि हमको किसने कहा इसकी तो हम घर बना के देंगे, तू चिंता मत कर। और इसके लिए बहुत सहजता से आज का आंदोलन हम कर रहे हैं। आंदोलन को किस दिशा में लेके जाना, कैसे उसको मोड़ देना, कौन से रुख में लेके जाना, और मैं आपको सबको वादा करता हूं 2023 के मार्च के अधिवेशन में मैंने 16 भाषण किए थे, आप सभी ने देखे होंगे। 16 भाषण होने के बाद बोरीली में क्या क्या हुआ उसकी गुंज गुराई के गांव तक है। जो अनधिकृत बांधकाम करने वाले बोरीली में बसे हैं, न बल्कि मुंबई में बसे हैं, वो सभी अनधिकृत बांधकामों के ऊपर कार्रवाई हो, ऐसी मेरी मांग थी। और आने वाले समय में ये जो भू माफिया बने हुए इनके ऊपर मैं विधानसभा में बिल लाने वाला हूं, और इसके लिए ये बिल के साथ तुम्हारे सभी के लोगों की मांग को देखते हुए आने वाले समय में विधानसभा में बोरीली में बसे हुए कन्वेंस माफिया का पर्दाफाश करने का काम मैं आपके सामने विधानसभा में कर रहा हूं। आणि त्याच्यामुळे तुम्ही जसा म्हणालात मगाशी आश्वासन द्या, आता जाऊ नका, मी असा नाही जाणार, मी घेऊन जाणार आहे।